कितना खुशियों का दिन है, क्या देखने के सवाल जी? आपको पता ही है, बहुत ही खुशियों वाला दिन है सबके लिए, गांव वालों के लिए, परिवार के लिए, गांव वालों के लिए, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष के लिए। कल जो सेरेमनी हुई उसमें तमाम सार्थक कीर्ति चक्र थे जो शहीदों के नाम थे, उसके बाद 7 शौर्य चक्र थे जो शहीदों के नाम थे, उसके बाद 3 कीर्ति चक्र थे और उसके बाद 19 शौर्य चक्र थे। तो उस 19 में से 19 का एक हिस्सा होना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो ऑब्वियसली खुशी का पल है। गांव पे हम देख रहे हैं कि पहले दूसरे व्यक्ति आप हैं जिन्होंने इतनी जल्दी, मतलब ये फोर्स में मात्र 3 साल ही हुए आपको ज्वाइन किए, तो इतनी जल्दी कामयाबी हासिल करना कितना मेहनत का काम है जी? ये तो मैं भी नहीं जानता था उस टाइम, लेकिन जैसे जैसे आप काम करोगे आपको वैसे सक्सेस मिलेगी। क्या देखिए उस समय कैसे हालात थे जिस समय आपने ये सारा कारनामा करके दिखाया और पूरे देश को आज आपने गौरवान्वित किया है, क्या देखते हैं? हाल उस टाइम तो काफ़ी डिस्टर्बेंस एरिया है, आपको पता ही है, खासकर श्रीनगर और साउथ कश्मीर, अभी तो नॉर्थ कश्मीर भी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है डाउनटाउन, जैसे जैसे इन्फिल्ट्रेशन होती है, और श्रीनगर का डाउनटाउन तो आपको पता ही है काफ़ी डिस्टर्बेंस एरिया है, तो जैसे अपना काम करना पड़ता है। फिर भी जैसे मूवमेंट हो, जैसे एनालाइज हो सकती है, जैसे इंटेल सोर्स हो, ह्यूमन सोर्स हो, कुछ भी हो, फिर भी अपना काम करना पड़ता है। उस समय क्या पहली इन्फॉर्मेशन क्या थी जो आपने शेयर की जिस वजह से बाकी लोगों को भी बचाया और मिलिटेंट को भी मारा? क्या ज़्यादा कुछ तो शेयर कर नहीं सकता, लेकिन जैसे हमारे ऑफिसर्स बोलते हैं कि हाँ वहाँ पे कुछ इनपुट्स हैं, हो सकता है कॉन्टैक्ट हो जाए, तो उस दिन हो गया था। तो अभी अब क्या देख रहे हैं जो पिछले कल का जो एक पल है, पूरी दुनिया जिसको टीवी पे देख रही थी, गांव वाले भी, बरवाल वाले भी, घर वाले सब बड़े शौक से देख रहे हैं, कितना हसीन पल था, कितना खुशियों वाला था, क्या देख रहे हैं जी? हाँ, प्राउड मोमेंट था राष्ट्रपति भवन तक पहुँचना ही, और राष्ट्रपति के सामने जाके आप जब मेडल लेते हो तो ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट था जी। कितने बड़े गर्व की बात है, बहुत ही ज़्यादा। बाकी युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को यही संदेश है कि अपने काम में लगे रहिए, गलत रास्ते में मत जाइए, अगर आप सही रास्ता पकड़ोगे तो वो सही रास्ता आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देता है। तो हमारे युवा बहुत सारे हम देख रहे हैं कुछ नशे में हैं, कुछ गलत एक्टिविटी भी हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? जी हाँ, गलत एक्टिविटी में काफ़ी सारे युवा हैं, लेकिन उनको भी यही मेरी सलाह है कि दूर रहें उन चीज़ों से, अगर दूर रहेंगे तो आपकी फैमिली खुश रहेगी, फैमिली खुश रहेगी तो आप खुश रहोगे। तो इसलिए हमारे हमने देखा कि बरवाल के बहुत से लड़के युवा जो है इस समय देश की सेवा के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, कोई भर्ती होने के लिए, कोई सेना में, कोई पुलिस में, उनको क्या मैसेज देंगे, किस प्रकार वो अपनी तैयारी करें? ताकि काफ़ी लड़कों से बात होती रहती है, जैसे रिक्रूटमेंट को लेकर बात करते हैं कि कब होगी, अभी शायद जेके एस एस बी को PHQ का लेटर गया था कि आप वैकेंसीज उन्होंने शो कर दी थी, अभी बस वो एप्लीकेशन फॉर्म निकालेंगे तो जेके पुलिस की भर्ती में भी नेक्स्ट मंथ तक फॉर्म लगे। और बाकी सारे भी मैं लड़कों को यही बोलता हूँ कि आप बस रनिंग पे ध्यान दीजिए, उसके बाद रिटर्न पे आप कोशिश करिए, आप कहीं ना कहीं अपने को तैयार रखिए। तो लास्ट में एक समाज के लिए भी मैसेज रहता है, किस प्रकार आप दिलो जान से जो है पूरे देश की सेवा के लिए हमेशा जान हथेली पे लेके खड़े रहते हैं, परिवार आपका हमेशा चिंता में रहता है। जी हाँ, बाकी लोगों को किस प्रकार आपका सहयोग करें ताकि ये पूरा मिशन जो है कामयाब हो? परिवार का साथ तो आपको पता ही है मेन होता है, जैसे हम जाते हैं जहाँ से छुट्टी पे आता हूँ मैं, तो छुट्टी काट के जब जाता हूँ तो घर वाले भेजते हैं, दुआएं होती हैं उनके साथ, पूरे जितने भी अपने समाज में लोग होते हैं सब यही दुआ करते हैं कि चलो जो भी हो अच्छा हो, सेफ रहें, बस घर वाले यही दुआ करते हैं, तो उनकी दुआ से बस अभी फिलहाल। छोटी सी बिटिया आपकी, एक महीने की मात्र, क्या देखते हैं कितना एक यहाँ? मैं जैसे मैं अभी रिसेंटली आया था, जब जन्म हुआ था बेटी का, तो माता के रूप में देखता हूँ, लक्ष्मी माता के रूप में। सब भी उन्हीं का प्यारा, सब उनका आशीर्वाद। जी हाँ, थैंक यू सर। रक्षारानी, क्या देख रहे हैं, कितनी बड़ी बात है? बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। हाँ जी, हम तो सोचते हैं कि सभी के बच्चे ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाएं, और बहुत अच्छा लगता है हमें, हम सभी की खुशी चाहते हैं। बेटा जब ड्यूटी पे होता है कितनी मन में कितनी दुआएं करते हैं, कितने बहुत दुआएं करती है, दो टाइम यही कहती हूँ कि इनके सिर पर भगवान अपना दोनों हाथ रख देना। मदर, कितने बच्चे हैं आपके? दोनों, दो बच्चे हैं। क्या ये पुलिस में है दूसरे? हाँ जी, दूसरा आर्मी में। दूसरा आर्मी? हाँ जी। कितनी बड़ा गर्व की बात है कि एक पुलिस में एक आर्मी में, दोनों देश की सेवा में लगे हैं। दोनों बच्चों को भगवान इतना है कि
सब कुछ उसकी सदबुद्धि पाए। मैं तो सभी यही सोचती हूँ कि सारे गांव के बच्चों को सदबुद्धि डाले भगवान, भगवान की यही आशीर्वाद चाहती हूँ। और बताएं आपके बेटे का नाम क्या है जो चोरी करवार सिंह? कितना खुशी का पाल है कि बेटा? बहुत खुशी है। कितनी खुशी हुई आपको? कितनी खुशी हुई आपको जब इसको राष्ट्रपति शौर्य चक्र दिया गया? आप इनके साथ हो समय कितना खुशी का पल था और गांव में कितनी खुशी की लहर देखी थी? हमारे पिता भी पेल्ट बैठ रहे तो याद नहीं पहुंचे। अच्छा, अब जब गांव पहुंचे हैं लोगों ने भव्य स्वागत किया गया, कितनी खुशी आपको? बहुत ज़्यादा खुशी। मैं भी आर्मी रिटायरमेंट। अच्छा, आप भी आर्मी रिटायरमेंट हैं? आप कौन सी बटालियन में? कौन सी? मैं मेडिकल। अच्छा, मेडिकल कोर में थे तो वहाँ भी तो सेवा ही करनी पड़ती देश की। जी जी, तो क्या समझते हैं कि आपके नक्शे कदम में भी दोनों बेटे चल रहे हैं? कोई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, जिस प्रकार आप देश की सेवा में लगे रहे, बच्चे भी दोनों जिस प्रकार, तो कितनी खुशी की बात होती है कि एक ही परिवार के सब लोग जो हैं वो देश सेवा में लगे हुए। बहुत खुशी है। मेरे पिता ही फौज में थे। अच्छा, भाई भी फौज में था। अच्छा, और तभी भाई ताए चाचे की लड़की का मतलब पूरा परिवार, पूरा परिवार देश सेवा में लगा हुआ। जी जी, तो कितनी गर्व की बात होती है कि एक पूरा परिवार जो है सेना में है पूरा? बहुत गर्व की बात है, बहुत वो है गर्व है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नीतम सिंह जी, रिटायर्ड एसपी जी। हाँ जी, क्या देख रहे हैं आपका जो वरुण जो है कितना बड़ा कार्य है? आप देख रहे हैं, आप भी एक एसपी जी के एसपी रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। हाँ, मैंने सर, मुश्किल है आज के दौर में काम करना? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं खुद 3.5 साल रहा हूँ वैली में, और इतनी मिलिटेंसी थी ना उन दिनों में, आज भी बहुत खतरनाक मिलिटेंसी है। तो क्या देते हैं हमारे बच्चे कितने जज्बे के साथ? वेरी गुड, बहुत खुशी है आज, बहुत ही खुशी है इसकी। हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का नाम पूरा रोशन किया है, अग्रवाल का नाम रोशन, पूरे गांव का नाम रोशन किया है। हाँ जी, तो ये कितनी बड़ी मिसाल आप लोगों के लिए? बहुत बड़ी मिसाल है सर। और बच्चे की मेहनत को क्या कहेंगे? बहुत खुशी है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम किया सर, क्योंकि इसने बहुत वो बड़े बड़े मिलिटेंट से देखे हैं, मैंने भी देखे हैं। अच्छा, लखनऊ तोवा के देखे हैं, जैसे मोहम्मद के देखे हैं, दूसरे देखे हैं क्या, जैसे मोहम्मद के देखे हैं, लक्ष्य तोबा के थे, हिजल मुजाहिद के देखे हैं, बड़े बड़े मिलिटेंट्स थे मेरे पास। तो सबसे मुकाबला करना मुश्किल है? बहुत मुश्किल। कितनी बड़ी खुशी की बात है आपके इसको शौर्य चक्र मिला है? इतनी खुशी है ना, पर पूरे गांव में खुशी है आज, सभी गांव वासियों को भी मुबारकबाद देते हैं। बाकी बच्चों को क्या कहेंगे जो और भी हैं? हम कहेंगे भाई ये नशा छोड़ दो, ये जो चिट्टा लगाते हैं उसको छोड़ दो और इस धारा में आ जाओ, समाज सेवा में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सर। आपका? हाँ जी, सरोटिया। हाँ जी, आपके चाचू चाचू लगते हैं आपके? हाँ जी। उनको शौर्य चक्र मिला है, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा क्या कहना चाहोगे इस समय? कि मैं अपने पापा और चाचू की तरह बनना चाहता हूँ। क्या बनोगे आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? जी, क्या नाम आपका? शिवानी। शिवानी जी, आपके वरुण जी आपके पति हैं? हाँ जी। कितनी बड़ी खुशी है जब उनको शौर्य चक्र मिला है? बहुत खुशी हुई। जब ये ड्यूटी पे जाते होंगे आप क्या सोचते होंगे जब श्रीनगर जी कश्मीर में जाते थे? बहुत टेंशन होती है जी। हाँ जी, कितनी टेंशन होती थी आपको इसके बारे में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आज उनको शौर्य चक्र मिला है, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी, बहुत खुशी है। हाँ जी, और कब आए थे जी घर जी, आप जो शौर्य चक्र लेके आए उससे पहले कब आए थे जी? 15 दिन पहले आए थे। हाँ जी। आपके घर लक्ष्मी आई थी? हाँ जी। मतलब सोच सकते हैं कि लक्ष्मी के आने कारण उनको शौर्य चक्र मिला? हाँ जी, बड़ी खुशी हो रही है। बहुत खुशी। कठुआ के लिए खुशी के साथ साथ बहुत ही गर्व का आज मौका है।
कि हमारे यहाँ के वरुण सिंह जो कि बरवाल गांव में पैदा हुए हैं, यहीं पर उन्होंने पढ़ाई करी है, यहीं पर उनका बचपन भी बीता है, उनके पिता आज यहीं पे यहाँ पे रहे हैं और सारे गांव के लोग आज उनको हार से फूलों से ढोल नगाड़ा बजाकर स्वागत कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए एक ऐसा काम उन्होंने बहादुरी का किया है जिसके कारण उनको जो है हमारे देश का जो एक तीसरे नंबर का जो पुरस्कार है बहादुरी के लिए उससे उनको सम्मानित किया गया। ये एक बहुत ही खुशी की बात है, एक रोल मॉडल बल्कि बन के सामने आए हैं। जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, जितने भी युवक युविकाएं हैं जो उनके हम उम्र हैं, जो इस टाइम पे इस कोशिश में है कि उनको आगे क्या करना है, ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है कि अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना है, अपनी काबिलियत को भूलना नहीं और अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है और कुछ ऐसा करना है कि अपने गाँव का, अपने ज़िले का नाम रोशन हो। सबसे बड़ा मैसेज वरुण खुद है कि जो गलत राह पे चलते हैं उससे दूर रहकर अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ किसी भी तरह करें, कोई भी काम आदमी करे तो उसको एक जो है कर्म अच्छे होने चाहिए। और आजकल ऐसा देखते हैं कि नशों की आदत बढ़ रही है या कुछ और ऐसी कुरीतियाँ लोगों में आ रही हैं, तो उनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्रेरणा से एक यूथ एम्बेसडर की तरह वरुण हमारे सामने आए, उनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट भी करेंगे और मैं जितने भी यहाँ पे लोग सुन रहे हैं उन सबको यही बोलूँगा कि उनसे प्रेरणा लेते हुए आप एक सही रास्ते में आगे चलें, अपने देश के लिए करने के लिए हमारे लिए बहुत सारी ऑप्शन, बहुत सारे रास्ते खुले। आज वरुण सिंह ने जो इतिहास रचा है शौर्य चक्र का, जो हासिल करके उन्होंने अपनी जो शौर्यता है उसका जो परिचय दिया है, कल प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उनको सम्मानित किया गया था, तो आज उनके वार्म वेलकम के लिए स्वागतम के लिए आज खुद डिप्टी कमिश्नर राकेश मिठास IAS खुद जहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने उनका एक भव्य स्वागत किया है और गाँव के समस्त जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, जितने भी पंचज थे, जितने भी यूथ थे, वो सारे आकर यहाँ पर उनका एक भव्य स्वागत कर रहे हैं। तो संदेश साफ जाता है कि कहीं ना कहीं यूथ के लिए रोल मॉडल बने हैं वरुण सिंह जी। पहले भी मैंने आपको बता दूं कि मरणोपरांत एक शौर्य चक्र हमारे गांव में पहले भी था, ये दूसरा लगातार शौर्य चक्र जो है जो वरुण जी ने महज अपनी 6 साल की नौकरी में, 2022 में जब ये 4 साल की नौकरी पे थे तो SOG में इन्होंने जो ऑपरेशन पुलिस स्टेशन संगम के पास हुआ था वहाँ पर उन्होंने अपने ऑपरेशन में कामयाबी हासिल करी और उसके साथ साथ इन्होंने जो शौर्य चक्र की जो रिकमेंडेशन है वो सेंटर तक गई। तो मैं समस्त गाँववासियों को और बरवाल की धरती को नमन करता हूँ और मैं सबको बधाई देता हूँ और यही मेरी गुजारिश रहेगी यूथ के आगे कि वरुण सिंह जी की तरह आप अपना नाम जो है वो चमकाइए और इस देश की सेवा करें। जय हिंद।